अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने लगे हैं, आज जो है कुछ हमारे सेटअप पे नए परिंदे आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और जो है ना, मैंने कुछ अपने सेटअप पे चेंजिंग्स किए हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे सर्दी आ रही है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि क्या इस टाइम पर हमें क्या हमें चेंजेस करनी चाहिए सर्दी की वजह से, और बारिश वगैरह भी होंगी तो उसकी वजह से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारा मुर्गियों का जो केज है, मैंने ये ऊपर से जो है पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि बारिश वगैरह होती है ना और ठंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये यहाँ से भी मैंने बंद कर दिया है, और ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे मैं रात में शीट लगा देता हूँ, और इनका जो जो दरवाज़ा है ना, इस पे मैं रात में एक चादर है वो लगा देता हूँ, तो ये मतलब पूरा बंद हो जाता है। और ये देखिए, अंदर से कुछ इस तरह का व्यू है, तो ये अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह हो जाती है। अच्छा, यहाँ से जो खुला हुआ है ना, तो उसके लिए ये हवा जो उस साइड से चलती है, तो यहाँ से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी यहाँ से फ्रेश एयर आनी भी चाहिए इनको ना। बाकी ये देखें, अंदर से पूरा मैंने बाकी बंद करा हुआ है। और जो है ना, मैं आपको जो कह रहा था नए पेट्स आए हैं वो ये हैं। एक तो देखें, ये मुर्गी आई है, मैं आपको एक मिनट के अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली मुर्गी एक नई आई है। अब मैंने जो है ना, इस मुर्गे के साथ ही इसको डाल दिया, और ये अभी जिससे मैंने ली थी ना, उसके पास ये कुड़क पे थी, तो जो है अभी थोड़े टाइम बाद अंडे देना स्टार्ट करेगी। इनको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। और इसी तरह मैंने फिंचेस को भी ना प्लास्टिक से कवर किया है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, कबूतर, पहले कबूतर ऊपर से आते थे, अब यहाँ से दरवाजे की तरफ से आना पड़ता है, और यहाँ से अंदर चले जाते हैं उड़ के। ये देखें आप, और ये हमारा चूजा एक ब्राउन कलर का, काफ़ी बड़ा हो गया ये भी। और एक ये यहाँ पर हमने अंदर बंद किया हुआ है। अच्छा, एक जो है ना नया हमारे पास ये वाला चूज़ा आया हुआ है, और इस वाले को हमने बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि ना ये इस वाले को मारता है। ये जो ब्लैक वाला नया है, और इसकी जो दोस्ती है ना, इनकी तो काफ़ी दोस्ती हो गई है, तो ये नहीं लड़ते। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ करीब से। ये देखें, ये चूज़ा है। अच्छा, ये जो है ना, थोड़ा थोड़ा हमारे ब्लैक वाले कबूतरों से मिलता है, ब्लैक कलर के कोनों से, पर वाइट है। मैं आपको कबूतर भी दिखाऊँगी। ये देखें, जैसे एक ये बैठा हुआ है, ये भी ब्लैक कलर का, इसके कोनों से पर वाइट है ना, इसी तरह देखें ये भी है। और मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी जो चोंच है ना, वो थोड़ी छोटी चोंच है, बाकी से थोड़ा डिफरेंट है ये। ये जो है ना मुर्गा है, इंशाल्लाह इसको फिर हम घर में रखेंगे, बड़ा होगा फिर इससे ब्रीड लेंगे। अच्छा, ये देखिए, फिंचेस का जो केज है ना, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे मैं केज बना रहा था, बट अभी वो पूरा नहीं बना है, तो इसलिए वो यहाँ पर मैं आपको वो केज भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये केज है। तो ये है कि मैंने ना इसके ऊपर से इस तरह डाल दिया है, और इस तरफ से ना पूरा मैंने पक्का बांध दिया है। अब रात में जो है ना, मैं यहाँ से इसको यूँ बंद कर देता हूँ। और ये वाला जो हमारे पास प्लास्टिक है ना, इसमें ना ये देखें, मैंने यहाँ पे हुक्स बनाए हुए हैं, ये हुक है, और इस तरह ये देखें एक ये हुक है। तो जो है ना, रात में फिर ना ये हुक्स यहाँ पर लग जाते हैं सारे में, और ये भी इस तरफ से भी बंद हो जाता है। और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, फिर थोड़ी जब ज़्यादा सर्दी होगी ना, अंदर जो लाइट लगी हुई है ना, इसमें मैं वो 100 वाट वाला बल्ब लगा दूंगा, ताकि अंदर थोड़ी गर्मी भी पैदा हो जाए। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। ये देखें, यहाँ से ये वैसे ही बंद रहता है हर वक्त, और ये सामने वाली साइड से मैं रात में बंद कर देता हूँ, क्योंकि रात में ज़्यादा ठंड होती है, फिर सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा होता हूँ ना, तो फिर ये वाली साइड से भी खोल देता हूँ। अच्छा, और जो है हमारे ये दो ये पेट्स आए हैं, और भी कुछ पेट्स आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, देखे सारे, थोड़ी देर में ये भी अंदर चले जाएंगे सोने के लिए। ये हमारे मास्टर केज का व्यू ऊपर की साइड से। ये वाला जो है ना, थोड़ा सा वहाँ से सही करके अभी लगाना है, वहाँ से थोड़ा सा खुल गया ये ना। बाकी ये कबूतर, अब मैं आपको वो दूसरे जो पेट्स आए ना, वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये तो हमारी वो फिंचेज हैं, इन्होंने भी मेरे ख्याल से ब्रीड स्टार्ट कर दिए, अंडे दिए हुए। और जो हमारे यहाँ पे ऊपर बजरीज थे ना, मैंने उनको एक्सचेंज करके ये ले लिए फिशर। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से एक बार, ये फिशर मैं लेके आया हूँ, बेफोकस नहीं बन रहा। ये देखें, ये माशाल्लाह बॉन्डेड पेयर है, लगा हुआ पेयर है, और ये जो है मटकी में भी घुसना स्टार्ट हो गए। मैंने इनके लिए ये वाली मटकी लगाई थी, बड़ी वाली, और छोटी वाली मैंने ऐसी लगा दी थी। ये जो है ना, ज़्यादातर छोटी वाली मटकी में घुस रहे हैं, इनके लिए मैंने घास वगैरह भी डाल दी, और इनको यहाँ पे दाना डाला हुआ है, इधर मैंने पानी दिया हुआ है। और जो बजरी थे मैंने वो सारे दे दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहे थे। और एक यहाँ पर ये बजरी का पेयर है, ये देखें, ये दूसरा बजरी का पेयर है, ये मैंने किसी और के लिए लिया है। ये तो हमारे घर पर अभी कुछ दिन के लिए मेहमान है,
कुछ दिन बाद ये पेड़ भी यहाँ से चला जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्लू वाला मेल है और ये येलो ग्रीन सी जो है ना ये वाली फीमेल है। इनको यहाँ पे मैंने दाना डाला हुआ है और यहाँ पे पानी डाला हुआ है और यहाँ पे जो है हमारे पास एक कबूतर पड़ा हुआ है, ये माजूर है, इसके पाँव में मसला है तो इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको भी देखें, वो पीछे कंगनी डाली हुई है खाने के लिए और यहाँ दाना डाला है। कंगनी थोड़ी शौक से करता है इसलिए मैंने इसको कंगनी डाली हुई है। और ये देखें चिंचेज हमारी, और ये देखें फिशर बोल रहे हैं। इनमें जो है ना जो राइट पे बैठा हुआ है इस तरफ ये वाला मेल है और इस तरफ जो है फीमेल है। ये देखें ये अब गुस्सा और है, मैं इनके पास रहूँ ना तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।